मुख्य आरोपी मधुकर जो कि सूरजपाल का राजदार बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे पूछताछ होगी और तमाम वो जो राज जिनसे पर्दा उठना बाकी है वो जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बाबा और सूरजपाल कहां पर है, वो क्या अपने भक्तों के सामने आकर दो शब्द सहानुभूति के नहीं बोल पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन भक्तों को लगातार वो ज्ञान देता था आज जब उन भक्तों पर आफत पड़ी तो वो गायब हो गया, उसको भी तलाशा जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें सियासत भी फुल है और क्या कुछ रहा है इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मधुकर गिरफ्तार, बाबा फरार। टूटता भ्रमजाल, लोगों में गुस्सा। बाबा का बचाव करती सियासत। आखिरकार हाथरस कांड में फरार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी मधुकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी एसटीएफ ने मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। अब नजरें सूरजपाल पर टिकी हैं जिसकी तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। दिलचस्प ये है कि अब तक पुलिस की एफआईआर में बाबा साकार नारायण हरि का नाम नहीं है, लेकिन वो घटना के बाद से ही पुलिस को चकमा देता फिर रहा है। मोबाइल बंद है और बाबा गुम है, लेकिन बाबा के कारनामों की फेहरिस्त हाथरस भगदड़ में 123 लोगों की मौत के बाद खुलती जा रही है। बाबा के खिलाफ गुस्सा है, लोगों का भ्रमजाल टूटने लगा है और बाबा की गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आज हाथरस कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम उस जगह का दौरा करेगी जहां ये दुखद घटना घटी थी। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज घटनास्थल का दौरा करेगी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रत्यक्ष दर्शियों से बात करेगी। वहीं बाबा के कारनामों का खुलासा भी होने लगा है। पेंशन पर गुजारा करने का दावा करने वाले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के 5-स्टार आश्रमों का सच कैमरों पर खुलता जा रहा है। बाबा के चश्मों और गरीबों से एजेंटों के जरिए पैसे लूटने का खेल भी सामने आ रहा है। आरोपों का पिटारा खुलता ही जा रहा है और बाबा फरार हैं। साकार नारायण हरि होने का दावा करने वाले बाबा अपने 123 भक्तों की मौत पर खामोश हैं। तलाश जारी है लेकिन बाबा फिलहाल पुलिस के शिकंजे से दूर है। वहीं बाबा को डंके की चोट पर बचाने की सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल राहुल गांधी ने हाथरस कांड में पीड़ितों से मुलाकात की, प्रशासन पर सवाल उठाए लेकिन बाबा पर खामोश रहे। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई है, तो ये पता लगाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद के डंके की चोट पर बाबा को निर्दोष बताने और बाबा का बचाव करने के एक दिन बाद अब झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बाबा का बचाव किया। मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। जाहिर है हाथरस में 123 मौतों पर सियासत जारी है। दिल दहलाने वाली घटना के बाद बाबा को बचाने की दबे छिपे अंदाज में कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सही मायनों में न्याय तब होगा जब पाखंडी बाबा सलाखों के पीछे होगा। पीड़ितों को न्याय का इंतजार है और भरोसा है सीएम योगी के उस वचन पर कि दोषी कितने भी ताकतवर क्यों न हो बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, लुधियाना में दो आरोपी जिन्होंने शिवसेना नेता पर हमला किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी फतेहगढ़ से हुई है और आपको बता दें कि दरअसल स्कूटी पर सवार होकर तीन लोग पहुंचे थे और दो की गिरफ्तारी हो गई है। फतेहगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया, शिवसेना नेता पर हमले का इन पर आरोप है, शिवसेना नेता पर अटैक किया था और इस मामले में आपको बता दें कि निहंग के वेश में तलवार से हमला किया था और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी गिरफ्तारी फतेहगढ़ से हुई है। फतेहगढ़ से दो हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, इन पर सीधा आरोप यह है कि इन्होंने निहंग के वेश में शिवसेना नेता पर अटैक किया था, तलवार से हमला किया था और इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन आपको बता दें पंजाब के लुधियाना में हैरान कर देने वाली यह घटना सामने आई है। लुधियाना शिवसेना पंजाब के नेता संदीप थापर गोरा पर सिविल अस्पताल के बाहर कातिलाना हमला किया गया, उन पर हमला करने वाले निहंग बताए जा रहे हैं। हमलावर निहंगों के वेश में आए चार लोगों ने तेज धारदार वाले हथियारों से गोरा पर जानलेवा हमला किया। लेकिन इस सबके बीच पुलिस क्या कुछ कह रही है, आइए सुनवाते हैं आपको। फिलहाल जो फ्रेम ऑफ एसिस है तीन बंदे इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन मैं वही कह रहा कि असी हर एंगल तो एग्जामिन कर रहे हैं, जो डिटेल असी एग्जामिन करा के इंटरोगेशन करा के उस तो बाद ही पूछताछ तो बाद ही असी फाइनल कोई कंक्लूजन पे पहुंचे। सर कोई सिक्योरिटी ब्रीफ आप कर रहे हो हिंदू लीडर्स इस इंसिडेंट तो बाद कुछ नहीं, असी ऑलरेडी जो टाइम टू टाइम करते रहते हेडक्वार्टर तो भी साढ़े को इंस्ट्रक्शन आती है, असी टाइम टू टाइम करते रहते, असी जो इन्हों फड़िया इन्हों मोबाइल वगैरह असी रिकवर कर रहे हैं, वो फोरेंसिक जी हैगी है साइबर फोरेंसिक तो उसका प्रॉपर एनालाइसिस करा के जो भी डूंगाई जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी दैन वो थोड़े साथ।